हेलो क्लास एंड वेलकम बैक बच्चों। बेटा कल हम बात कर रहे थे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की। सबसे पहले बेटा मैंने चैप्टर के इंट्रो में CSR की बात की थी, याद है आपको? CSR की फुल फॉर्म क्या होती है बेटा? कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बेटा मैं हमेशा ऐसे बोलता हूँ, CSR@2%। अच्छा ये पता है क्या कि आपको कॉरपोरेट क्या होता है? अब आएगा, बहुत बढ़िया, ऐसे ही पंगा ले लिया, मेरा मन कर रहा था पूछ ही लो। कॉर्पोरेट क्या होता है? तो भाई मैं ऐसे ही बोल ही जा रहा हूं, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तुम्हें कॉर्पोरेट का मतलब नहीं पता यार? आपको बता देता हूं बेटा, क्लास 11 क्लास 12 तक तो मुझे भी नहीं पता होता था भाई, ठीक है ना। हम जब भी अपने टीचर से पूछते थे कॉरपोरेट क्या होता है, हमारी टीचर कहती थी कंपनी का ही दूसरा नाम कॉरपोरेट होता है, ठीक है ना। पर भाई सही लेवल के बंदे से वास्ता पड़ गया ना तो जीरो ही दे देगा। मैं आज आपको ना कंपनी और कॉरपोरेट में एक डिफरेंस बता देता हूँ। सबसे पहला काम यही करते हैं बेटा, बाबू इंडिया में हम कंपनी उसको बोलते हैं बेटा जो इंडिया के कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग बनी होती है। यानी कि बेटा अगर कोई कंपनी, अगर कोई एंटिटी इंडिया के कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, यानी कि या तो कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बनी है या कंपनीज एक्ट 1956 के अकॉर्डिंग बनी थी, बेटा सिर्फ वही कंपनी है। तो कॉरपोरेट क्या चीज होती है बेटा? हर वो कंपनी जो फॉरेन कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है उसे हम कॉरपोरेट बोलते हैं। सर इंडिया में कंपनीज एक्ट 1956 में आया और फिर बेटा बदलकर 2013 में आया, फॉरेन में तो 2013 में नहीं आया होगा, फॉरेन में तो 1956 में नहीं आया होगा। फॉरेन का तो कंपनी एक्ट बिल्कुल अलग होगा बेटा, फॉरेन की तो पार्लियामेंट बिल्कुल अलग होगी जिसने कंपनीज एक्ट बनाया होगा। अगर कोई कंपनी फॉरेन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है तो उसे हम प्यार से कॉरपोरेट बोलते हैं, उसे हम कंपनी नहीं बोलते। जस्ट लाइक हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैं हमेशा बोलता हूँ बेटा नाम पर मत जाना, ठीक है ना बेटा। नाम की बात करोगे तो नाम है पीटर इंग्लैंड, पीटर इंग्लैंड इज अ इंडियन ब्रांड, नाम हिंदुस्तान यूनिलीवर है, नाम पर मत जाना। ये USA की कंपनी है, बस नाम में ही हिंदुस्तान है, ठीक है ना बेटा। तो ये फॉरेन कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड है, इसे हम प्यार से कॉरपोरेट बोलते हैं। समझ आई बात? चलो खैर मुद्दा क्लियर होना चाहिए बाबू। तो हमने कल CSR पे सबसे पहले चर्चा करी थी, फिर हमने बात करी थी CSR@2% पे, फिर हमने बात करी थी बेटा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स वेरियस स्टेक होल्डर्स। बेटा स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं? हर वो पर्सन जो कंपनी से किसी ना किसी तरीके से एसोसिएटेड है, हर वो पर्सन स्टेक होल्डर है। इट मे बी आ शेयर होल्डर, इट मे बी आ सप्लायर, मे बी वर्कर, कस्टमर, गवर्नमेंट और कम्युनिटी, आप कुछ भी हो बेटा ये सबके सब स्टेक होल्डर है। याद आई बात? ओके बात। बाबू मुझे पता है मुझे ये मैटर अभी लिखवाना है जो कल मैंने 18 पॉइंट बताए थे। अभी बेटा तीन टॉपिक और खत्म करेंगे फिर इकट्ठे ही लिखेंगे बेटा, ठीक है जी। चलो जी बाबू पेज नंबर 148 पर है हम, मेरे पास जो बुक है NCERT में 148 पर एक टॉपिक स्टार्ट हो रहा है बेटा, आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बाबू आपको बता देता हूँ मोस्ट ऑफ द स्कूल तो इस चैप्टर में से काफ़ी चीज़ें कट करा देंगे, रहेगी या एक या दो टॉपिक रह जाएंगे, लेकिन एक बार मैं सारा करा रहा हूँ। जब आपके स्कूल में हो जाएगा तो मुझे बता देना कितना कराया, अगली बार रिवीजन उतने का ही कर लेंगे, ठीक है जी। बेटा टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर नेक्स्ट पेज पर 149 पर देखोगे बिल्कुल नीचे टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। और बेटा बिल्कुल नेक्स्ट वन एक टॉपिक है पेज नंबर 150 पे रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। टॉपिक दिखाई दे रहे हैं? मेरी तरफ देखना, मैं आपको समझा देता हूँ मुझे कैसे लिखवाने हैं आपको ये। बाबू ये बिल्कुल वैसे ही चल रहा है जैसे डिबेट कंपटीशन में आप किसी चीज़ के फेवर में बोल रहे होते हैं, कोई इंसान उस चीज़ के अगेंस्ट में बोल रहा होता है। पहले टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फायदे फायदे की बात करता चला जाऊँगा, तारीफ़ें ही तारीफ़ें।
और बेटा फिर एकदम टॉपिक आएगा आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फिर बेटा आपको सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ बोलना पड़ेगा, और बेटा फिर रियलिटी बतानी है कि रियलिटी में सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अच्छी है या खराब, फॉलो होती है कि नहीं होती, समझ आई बात? तो बेटा बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम डिबेट लड़ रहे हो बेटा, एक इंसान फेवर में बोल रहा है, फिर खिलाफ बोल रहा है, फिर रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है जी? तो बेटा पहले फेवर की बात करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स फॉर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें 8 हेडिंग दी गई है, मुझे कोई 6 करानी है क्योंकि पेपर में मैक्सिमम क्वेश्चन 6 नंबर का आ सकता है, ठीक है बेटा? मुझे जो आसान लगती होंगी मैं वो करा दूंगा आपको। सबसे पहली हेडिंग का नाम है बेटा जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। आप बस हेडिंग बताते रहना, मैटर मुझसे सुनते जाना, याद करा दूंगा यहीं पर बैठे बेटा, ये बात पक्की है। बाबू अभी मुझे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में बोलना है, पहली हेडिंग है बेटा जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ। बेटा एक बात सोचो, बिजनेस एग्जिस्ट कहाँ पर करता है बेटा? सोसाइटी में। बिजनेस ग्रोथ करता है कहाँ पर करता है बेटा? सोसाइटी में करता है। मैं कहता हूँ आपने कोई बिजनेस शुरू करा, आपको रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है? सोसाइटी से मिलता है। आपने बिजनेस शुरू करा उसके लिए लेबर कहाँ से आती है? सोसाइटी से आती है। आपको मशीनरी कहाँ से मिलती है? सोसाइटी से मिलती है। इन सब का यूज़ करके आपने फिनिश गुड्स बनाया, फिनिश गुड्स किसको बेचा? सोसाइटी को बेचा। कोई भी बिजनेस हो बेटा, फॉर रिसीविंग ऑफ इनपुट्स एंड फॉर सप्लाइंग ऑफ आउटपुट वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटी। कोई ऐसा बिजनेस है बेटा जो सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है? कोई एक भी बताकर दिखा दो बेटा, एक भी नहीं है। इनपुट चाहिए सोसाइटी से मिलता है, रॉ मटेरियल चाहिए सोसाइटी से मिलता है, लेबर सोसाइटी से, बैंक लोन सोसाइटी से, मशीनरी सोसाइटी से, इन सब का इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बनाता हूँ, बेचता भी सोसाइटी को हूँ बेटा। फॉर रिसीविंग ऑफ इनपुट एंड फॉर सप्लाइंग ऑफ आउटपुट वी आर टोटली डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटी। तो आपको क्या लगता है जब आप हर चीज के लिए सोसाइटी पे डिपेंडेंट हो, तो आपको नहीं लगता आपको सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए? ये पहला आर्ग्यूमेंट है जो मैंने दिया सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में, समझ में आया? एनसीईआरटी पढ़ोगे तो बस बेटा पढ़ते ही रह जाओगे, कुछ भी बात ऐसे ही नहीं लिखी जैसी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है बेटा? पैराग्राफ फॉर्म में पता नहीं क्या क्या कहानियाँ गढ़ी हुई हैं, ठीक है? जो मैं बोल रहा हूँ मुझे पता है, बहुत आराम से समझ आ जाएगा और यहीं याद हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, सेकेंड हेडिंग है लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। देखो बेटा अगर आपको ये लगता है ना कि मुझे ना शॉर्ट रन में पैसे कमाने हैं, मैं तो बस साल दो साल में अमीर होना चाहता हूँ, तो बेटा मेरी एडवाइस है करो सोसाइटी को एक्सप्लॉइट। बेचो बेटा 100 की चीज़ 1000 में, बेचो बेटा डुप्लीकेट चीज़ है, बाबू बहुत जल्दी अमीर हो जाओगे, क्योंकि एक एक के बाद दोबारा बेटा कस्टमर आपकी दुकान पर वैसे भी कदम रखने नहीं वाला। आप एक बार उसको एक्सप्लॉइट करोगे, उसको पता लग गया, उसने दोबारा कभी ज़िंदगी में आपकी दुकान पर आना भी नहीं है बेटा। लेकिन अगर आपको पता है ना आपका लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट इसी बिजनेस में लाया करता है, आप 25 साल के हो, आपने दुकान शुरू करी और आपको पता है जब तक जिंदा रहोगे 50-60 साल तक इसी दुकान पे बैठना है, अगर इतना लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम में बेटा आपका इंटरेस्ट इन्वॉल्व है ना बिजनेस में, तो बेटा आप पैसा बना सकते हो, लेकिन सिर्फ सोसाइटी को सेटिस्फाई कर। इट इज ओनली द सेटिस्फाइड कस्टमर हु नॉट ओनली लीड टू द रिपीट सेल्स बट ऑल्सो गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द अदर। बेटा एक सेटिस्फाइड कंज्यूमर ही ऐसा होता है बेटा, अगर आपने बाबू 10 की चीज सिर्फ 11 में दी, रीजनेबल प्राइस पे दी, क्वालिटी प्रोडक्ट दिया कंज्यूमर को, विच इज द मेन एलिमेंट ऑफ सोसाइटी, वो क्या करेगा बेटा? खुद तो रिपीट सेल्स देगा ही लेगा, और बेटा दूसरों को भी पॉजिटिव फीडबैक देगा कि इस दुकान से खरीदना, बहुत अच्छा सामान मिलता है। तो बेटा अगर लॉन्ग रन में कभी पैसे कमाने हैं ना, लॉन्ग रन तक टिकना है मार्केट में, तो बेटा अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करके ही टिक सकते हो। सोसाइटी का जो मेन एलिमेंट है कंज्यूमर, उसको सेटिस्फाई करके ही टिक सकते हो। अगर आपने उसको एक्सप्लोइट करा तो आपका बिजनेस बेटा लॉन्गर रन तक चलेगा नहीं बेटा, शॉर्ट रन में ही बंद हो जाएगा। जैसे वो आपकी इमेज बनाता है ना हजारों के आगे, वैसे ही बेटा आपकी इमेज हजारों के आगे खराब भी करता है कि इस दुकान पर कभी मत जाना, बहुत खराब प्रोडक्ट देता है, बहुत महंगा देता है, खत्म। इट इज ओनली द सेटिस्फाइड कस्टमर हु नॉट ओनली लीड टू द रिपीट सेल्स बट ऑल्सो गिव पॉजिटिव फीडबैक टू द अदर। क्लियर बात?
बेटा मैंने दो बातें बोली अभी तक, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ और लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस एग्जिस्ट करता है या ग्रोथ करता है सोसाइटी में। बिजनेस को रॉ मटेरियल सोसाइटी से मिलता है, मशीनरी बैंक लोन लेबर सोसाइटी से मिलती है, इन सबका इस्तेमाल करके फिनिश गुड्स बनता है, बेचते सोसाइटी को। फॉर रिसीविंग ऑफ इनपुट एंड फॉर सप्लाइंग ऑफ आउटपुट एवरी बिजनेस इज डिपेंडेंट अपॉन सोसाइटी। मेरे एंगल से सोचो ना बेटा, मेरे लिए तो बेटा मेरे इनपुट्स कुछ नहीं है, मेरे आउटपुट हैं। अगेन दे तो बेटा बेच किसको रहा हूं, सोसाइटी को। यू आर आ एलिमेंट ऑफ सोसाइटी। इस ज्योग्राफिकल बाउंड्री के बाहर जो कुछ भी है ना बेटा, मेरे लिए हर चीज सोसाइटी है। मेरा बिजनेस बस इसी ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर है। सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं करा, कुछ नहीं किया आपने, ठीक है ना बेटा। बाबू सेकेंड एडिंग लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, शॉर्ट रन में पैसा कमाना, करो सोसाइटी को एक्सप्लॉइट, करो कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट बेटा। 100 की चीज 1000 डुप्लीकेट चीज है बेटा। लेकिन बाबू अगर आपको लगता है आपने लॉन्ग रन में टिके रहना है, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस करना है, लॉन्ग रन में कमाना है, तो बेटा सोसाइटी का सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट कंज्यूमर, उसको सेटिस्फाई करो, तभी कमा सकते हो, वरना टिकने नहीं देगा वो आपको। क्लियर बात? दो एडिंग ओके। थर्ड एडिंग देखना बेटा क्या है, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। बेटा हेडिंग का नाम है अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। बेटा अगर आप चाहते हो और हर बिजनेस चाहता है कि गवर्नमेंट रेगुलेट ना करे मेरे बिजनेस को, गवर्नमेंट मेरे बिजनेस में इंटरवेन ना करे, गवर्नमेंट ना आ जाए मेरे बिजनेस में एंट्री बिल्कुल ना ले, बेटा तो स्पॉन्टेनियसली सोसाइटी को सेटिस्फाई करते रहो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते रहो। और जहां आपने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ी सी भी चूक दिखाई और बेटा गवर्नमेंट ने इंटरवेन करा आपकी वर्किंग में, तो गवर्नमेंट बेटा बहुत सारे नुकसान दे जाती है। मैं बोलता हूं बेटा ऐसा पंजाब में होता है बाबू, बहुत सारे मेडिकल स्टोर क्या करते हैं, मेडिकल स्टोर की आड़ में ना ड्रग्स बेचते रहते हैं। बेटा क्या आप अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो? नहीं। गवर्नमेंट को खबर लग गई, तो बेटा अगर गवर्नमेंट ने इंटरवेन करा ना आपकी वर्किंग में, तो बहुत सारे नुकसान इकट्ठे दे जाएगी। बाबू गवर्नमेंट आ गई, मान लो बाबू रेड हो गई आपकी दुकान, और रेड बाबू ऐसे नहीं होती, आपको तो खैर अंदाजा भी नहीं होगा, ठीक है ना। जब आप रेड करते हो तो डीएम की अप्रूवल चाहिए होती है, और जब डीएम अप्रूवल देता है तो बेटा बैकएंड पर 35 पुलिस इंस्पेक्टर तैयार रहते हैं कि सामने वाले ने अगर कोई अटैक कर दिया तो पीछे से बेटा इतनी पुलिस आएगी आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है ना। खैर रेड हो रही है और बहुत बड़ी तादाद में बेटा पुलिस इन्वॉल्व है। आप सोचो गवर्नमेंट ने आपकी वर्किंग में इंटरवीन कर दिया, कितने नुकसान आपको देकर जाएगी। सबसे पहले फाइनेंशियल लॉस, ये तो नुकसान होगा ही होगा भाई। सेकेंड वन इम्प्रिजनमेंट, जेल डाल दिए जाओगे बेटा। तीसरी बात लाइसेंस कैंसिल, दोबारा कभी मेडिकल स्टोर ऑपरेट नहीं कर पाओगे। चौथी बात इमेजरेबल रेप्यूटेशन लॉस, मेजर नहीं कर पाओगे कितनी गई। सर हर कोई चाहता है कि गवर्नमेंट मेरे बिजनेस से दूर रहे, गवर्नमेंट मेरे बिजनेस में इंटरवेंशन ना करे, ठीक है ना, इन्वॉल्व ना हो मेरे बिजनेस में। और अगर आप चाहते हो ना कि गवर्नमेंट दूर रहे आपके बिजनेस से, तो स्पॉन्टेनियसली अपनी मर्जी से चुपचाप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते चलो बेटा, और करते चलोगे तो कोई गवर्नमेंट नहीं आएगी बेटा। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन, गवर्नमेंट बहुत दूर रहेगी आपके बिजनेस से, और नहीं करोगे तो गवर्नमेंट इंटरवेन भी करेगी और बहुत सारे नुकसान देकर जाएगी बेटा, ठीक है ना। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करते चलो, कोई गवर्नमेंट नहीं आ रही आपकी वर्किंग के बीच में बेटा। क्लियर बात? तीन बातें बोल दी बेटा मैंने सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फेवर में, जस्टिफिकेशन फॉर एग्जिस्टेंस एंड ग्रोथ, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ द बिजनेस, और बेटा फिर अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट रेगुलेशन। गवर्नमेंट रेगुलेशन अवॉइडेड रहती है, गवर्नमेंट इंटरवेन नहीं करती। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करोगे, गवर्नमेंट नहीं आएगी बीच में, जैसे चल रहा है बिजनेस वैसे ही चलता रहेगा, ठीक है जी बाबू। फोर्थ हेडिंग नहीं करनी, फिफ्थ हेडिंग करेंगे। फिफ्थ हेडिंग का नाम है बेटा अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस, है ना बेटा। बड़ा कमाल का एग्जांपल है मेरे पास बाबू, देखो एक बात सुन। कहता है बिजनेस आपको तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी वैसे भी पूरी करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास किसी रिसोर्स की कोई कमी नहीं होती। जनरली बेटा एक बिजनेस के पास जो रिसोर्सेज होते हैं वो थ्री टाइप के होते हैं, मैंने शायद पहले भी कभी ना कभी बोला होगा बेटा। पहला टाइप ऑफ रिसोर्सेज ह्यूमन रिसोर्सेज,
ह्यूमन रिसोर्सेज मतलब एम्प्लॉइज। सर बिजनेस के पास एम्प्लॉइज की कोई कमी होती है? रिलायंस जैसी इंडस्ट्री जिसमें 1.5 लाख एम्प्लॉई काम करते हो, कोई कमी है? दूसरी बात बेटा, ह्यूमन रिसोर्सेज के अलावा फिजिकल रिसोर्सेज, फिजिकल रिसोर्सेज में क्या आती है बेटा? आपकी एसेट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, फिक्स्चर्स। सर रिसोर्सेज की कोई कमी है? रिलायंस जैसी ऑर्गेनाइजेशन वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट फैक्ट्री है, वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट। पैदल घूमने चलोगे ना बेटा, सालों में टाइम चाहिए, सालों में बेटा। तीसरे टाइप ऑफ रिसोर्सेज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। मुझे नहीं लगता वहां पर कोई कमी होगी बेटा कैश और बैंक बैलेंस की। कहता है अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज विद द बिजनेस। बिजनेस आप तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने चलो तो मिनटों में पूरी हो जाएगी बेटा, क्योंकि आपके पास तो किसी भी रिसोर्स की कोई कमी नहीं है। मैं कह दूं बेटा, अगर आज रिलायंस कह दे कि हम क्या करेंगे, प्लांटेशन ऑफ ट्रीज करेंगे, अपने 1.5 लाख एम्प्लॉई को कह दे बस एक एक पेड़ लगा दो, बस एक एक। सर पूरी दुनिया को एक मिनट में 1.5 लाख नए ट्रीज मिल जाएंगे। सोच कर देखो बिजनेस के लिए कितना आसान है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करना। कितनी देर लगी 1.5 लाख पेड़ मिलने में? एक मिनट। और एक अकेला इंसान सोचे तो कई महीने। तो बेटा ये प्लस पॉइंट है बिजनेस के पास, कि बिजनेस के पास ना पैसे की कमी, ना ह्यूमन रिसोर्सेज की कमी, ना ही बेटा लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। तो अगर बिजनेस चाहे तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मिनटों में पूरी कर सकता है। आपकी नॉलेज के लिए एक बात बता देता हूं, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के फील्ड में बेटा एक अवार्ड मिलता है नोन एज पीकॉक अवार्ड। पीकॉक अवार्ड बेटा लास्ट 10 ईयर से रिलायंस लेके जा रहा है, खाली पैसा नहीं कमाता वो, सोसाइटी के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं वो। समझ आई? चार हेडिंग बेटा। फिफ्थ हेडिंग है कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी, कन्वर्टिंग प्रॉब्लम इनटू अपॉर्चुनिटी। बेटा देखो एक बात बताता हूं, कई बार ना सोसाइटी की प्रॉब्लम्स आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेके आती है। आप चलते तो सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने, लेकिन पैसा बहुत बना लेते हो। एक प्रॉब्लम बताता हूँ आपको बाबू, हमारी सोसाइटी में ना एक बहुत पढ़े लिखे लोग हैं बेटा, जो DM SSP वाली कैटेगरी है, एक बेटा बिल्कुल पढ़े लिखे लोग नहीं है बेटा जो अनपढ़ वाली कैटेगरी है, और एक बीच वाली कैटेगरी है बेटा। ये जो बीच वाली कैटेगरी है ना, जो कम कम पढ़ते हैं बेटा लेकिन थोड़े बहुत इनके अंदर स्किल होते हैं, ये बहुत गड़बड़ करते हैं सोसाइटी में। देखो बड़ा ऑफिसर बदतमीज नहीं होता, ये बात मैं आपको बता देता हूँ। एक अनपढ़ ऑफिसर है ठीक है ना, मैं फिर भी मान सकता हूँ वो थोड़ा बहुत बदतमीज होगा। बड़ा ऑफिसर DM SSP बदतमीज नहीं होते वो। बाबू आप यू आर अ नॉर्मल सिटीजन ऑफ अ सिटी, आप उनके कभी अपॉइंटमेंट लेकर मीटिंग करने जाओ, आप हैंड ऑफर करोगे ना हाथ मिलाएगा आपसे। बड़ा ऑफिसर बहुत समझदार होता है, और यही एक पुलिस कॉन्स्टेबल को करके देखना बेटा, चाटा नहीं गालियाँ शुरू कर देगा बस वो तो, ठीक है ना। ये बीच वाले ना बहुत गड़बड़ करते हैं बेटा, अनपढ़ इंसान बहुत डाउन टू अर्थ होता है, पढ़ा लिखा भी डाउन टू अर्थ होता है, ये बीच वाले बहुत गड़बड़ करते हैं। मैं नाम बोलने की कोशिश करूं तो प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन, जाओ तो सही एक बार बुलाने इलेक्ट्रीशियन के घर, आपके घर की लाइट खराब हुई है, नखरे देखना। दुनिया में जैसे ये इसी को सब कुछ आता है, बाकी किसी को कुछ नहीं आता। अरे बीच वाले बहुत गड़बड़ करते हैं, मैं हमेशा बोल रहा हूँ, जिस इंसान के पास कोई स्किल नहीं है वो बहुत डाउन टू अर्थ है, जिसके पास बहुत स्किल है वो भी डाउन टू अर्थ है, जिसके पास एक आधा स्किल है ना पता नहीं क्या ही समझते हैं बेटा। ये सोसाइटी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, और बाबू कई लोग इसमें अपॉर्चुनिटी देखते हैं। मेरे पास एक एग्जांपल है बहुत अच्छा बेटा। अब ये प्लम्बर इलेक्ट्रीशियन लोग बहुत गड़बड़ करते हैं, सारी दुनिया ही परेशान रहती है इनसे, ठीक है ना। तो मेरा दोस्त एक एप्लीकेशन बना रहा है, एक ऐप बना रहा है बेटा, जिस ऐप को डाउनलोड करने के बाद उस एरिया में रहने वाले पता नहीं कितने प्लम्बर और इलेक्ट्रीशियन के नंबर आपको अवेलेबल होंगे, और वो इस ऐप को इंडिया वाइड लॉन्च करने वाला है। वो चला तो था सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने, और सॉल्व करते करते बेटा उसको पता नहीं कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल गई इस चीज में। और बेटा जिस दिन लॉन्च होगा तो मैं बोल रहा हूं कहीं ना कहीं बहुत पैसे बनेंगे भी उसके अलग अलग मोड से। तो बेटा कई बार सोसाइटी की प्रॉब्लम आपके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर आती है।
क्लियर बात बाबू। लास्ट हेडिंग एट नंबर पे हेडिंग लिखी गई है बाबू, हेडिंग का नाम क्या है? होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर मेनी प्रॉब्लम्स, ऐसे करके सोशल प्रॉब्लम। बेटा होल्डिंग बिजनेस रिस्पॉन्सिबल फॉर सोशल प्रॉब्लम, बेटा कहता है कई सोसाइटी की प्रॉब्लम स्टार्ट ही बिजनेस ने करी है, और क्योंकि स्टार्ट बिजनेस ने करी है तो खत्म कौन करेगा? खत्म भी बिजनेस ही करेगा, शुरुआत ही करने वाले आप हो। मैं बोलता हूं पॉल्यूशन की शुरुआत कहां से हुई? बिजनेस बोलो किसने करी भाई पॉल्यूशन की शुरुआत? घर वालों ने तो नहीं करी ना। गैस पे रोटी पकाने से तो इतना पॉल्यूशन ही हो जाता है ना कि सांस लेना महाभारत हो जाता है, क्वालिटी लाइफ जीनी महाभारत हो जाती है। सर शुरुआत किसने करी पॉल्यूशन की? बिजनेस। ठीक, कौन करेगा जब आपने शुरुआत करी है? आप ही करोगे। डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। ये मेरी कास्ट और ये मेरी कास्ट, ये मेरा रिलीजियन, बेटा इसका प्रमोशन जल्दी, इसका बाद में, ये मेरा जेंडर। भाई डिस्क्रिमिनेशन की शुरुआत किसने करी? बिजनेस। खत्म कौन करेगा? आप ही, शुरुआत आपने करी है। करप्शन एंड ब्राइब्स, जितने करप्शन की शुरुआत देखोगे ना सब बिजनेस से होती है। अच्छा मेरे पास एंटी पॉल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट नहीं है, ले ले रिश्वत यार, कर दे जरा सर्टिफिकेट पे साइन, चलाने दे मेरे को प्रोडक्शन यूनिट, चल बिजली में सेटिंग कर ले यार, थोड़ा सा मीटर कम चल जाएगा। सर करप्शन एंड ब्राइब्स शुरुआत किसने करी? बिजनेस ने। तो बेटा कई ऐसी प्रॉब्लम ऐसी हैं सोसाइटी की जो शुरू ही बिजनेस से हुई है, और जब शुरू बिजनेस ने करी है बेटा खत्म भी कौन करेगा? बिजनेस ही करेगा। ठीक है ना जी, बात क्लियर हुई? बाबू ये टॉपिक खत्म हो गया बाबू, ये अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब बेटा मैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बस गालियां दूंगा, ठीक है ना? आपको इतनी जल्दी मॉडिफाई करना है ये सिर्फ नोमेस कैंप ही कर सकते हैं। एक मिनट तारीफ और अगले मिनट बुराई, हाँ बाबू ठीक है ना? इसके लिए आपको नोमेस कैंप ही बनना पड़ेगा तभी ये टॉपिक कर सकते हो, वरना नहीं होगा आपसे। लो बेटा, तो बाबू टॉपिक का नाम है आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बेटा अब मेरे को सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के खिलाफ बोलना है, बड़ी तारीफ होगी। अब देखो तुम्हारा असली फॉर्म में हूँ मैं। बेटा पहली हेडिंग का नाम क्या है? वॉयलेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन प्रिंसिपल। लो बेटा सिंपल सी बात बोलता हूँ बेटा, सुनना। एनी सिंगल टॉक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बेटा जिन्होंने पहला चैप्टर पढ़ा उन्हें बहुत अच्छे से पता होगा, बिजनेस का फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिजनेस बना ही किस लिए है बेटा? पैसा कमाने के लिए बना है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए बना है। और मैं बोल रहा हूं अगर मैं एक वर्ड भी बोलता हूं ना सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का, एस भी बोलता हूं, तो बेटा मैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के खिलाफ जा रहा हूं, मैं अपने मेन प्रिंसिपल के खिलाफ जा रहा हूं। क्योंकि बेटा आप कुछ भी कहो, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करने के लिए आज की तारीख में पैसे लगते हैं। अगर आप ये कहोगे ना मुझे प्लांटेशन ऑफ ट्री करना है 1 लाख, तो एक ट्री 500 रुपए का है बेटा, 5 लाख चाहिए। और अगर आप 5 लाख बिजनेस से लगाओगे तो आपने बिजनेस का प्रॉफिट 5 लाख से कम कर दिया। अगर आप ये कहोगे ना से नो टू द प्लास्टिक बैग, तो बेटा प्लास्टिक बैग 50 पैसे का आता है, पेपर बैग 10 रुपए का आता है, वो भी प्रॉफिट में से ही कम होगा। एनी सिंगल टॉक ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो हमें नहीं करनी भाई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, हमें तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करनी है जिसके लिए बिजनेस बना है। क्लियर बात? सेकेंड हेडिंग, इट इज अ बर्डन ऑन कंज्यूमर। हेडिंग का नाम होगा बर्डन ऑन कंज्यूमर। बेटा आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं, जो कंपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करती है ना वो बदले में आप ही की गिरेबान दबा देती है। सर बड़ी तारीफ कर रहा था कल मैं, लो आज बुराई कर देता हूं। डोमिनोस, प्लास्टिक बैग नहीं देंगे हम, तो पेपर बैग देंगे। चलो आपने पेपर बैग दिया, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, आफ्टर ऑल बेटा इट इज अ बर्डन ऑन कंज्यूमर। 10 रुपए आपसे ही चार्ज करते हैं पेपर बैग के, अपनी जेब से थोड़ी देते हैं वो। अगर आप सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर भी रहे हो तो बेटा वो भी बर्डन कंज्यूमर का है। वाह भाई ये क्या, ये अच्छी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी, नाम तुम्हारा बना, पैसे गए कंज्यूमर के। दूसरी बात, टीवी में एक ऐड देखते होंगे आप बेटा, ये ऐड मेरे को बहुत बार याद आता है कि PNG कंपनी का आप कोई प्रोडक्ट खरीदो, हम क्या करेंगे उस प्रोडक्ट को खरीदने में जो प्रॉफिट होगा उसका एक हिस्सा बच्चों की शिक्षा की तरफ लगाएंगे। कभी ऐड सुना है?
निहार शांति आंवला शायद का ऐड आता है, ठीक है ना, सही बोल रहा हूँ शायद मैं, ठीक है ना, कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो और हम क्या करेंगे अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा क्या करेंगे बच्चों की पढ़ाई की तरफ लगाएंगे, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हो। बेटा जब तक ये ऐड नहीं आता था प्रोडक्ट पे एमआरपी होता होगा 50, और जिस दिन ये ऐड आने लगा प्रोडक्ट के ऊपर वैसे ही एमआरपी कर दिया उन्होंने 52 रुपए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पूरी करो, पैसे कौन देगा, पैसे कंज्यूमर देगा बेटा। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑलवेज अ बर्डन ऑन कंज्यूमर। तो बेटा हमें नहीं करनी ऐसी कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी जिससे हमारे ऊपर ही बर्डन आ जाए, ठीक है ना। देखा मैंने कितनी जगह कितनी जल्दी मोल्ड करा अपने आप को, पक्का नो मैं स्कैम भी हूं मैं। चलो री सीख लो आप भी। लो थर्ड हेडिंग बेटा, हेडिंग क्या है, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। बेटा देखो एक बात सुन, ये भी हेडिंग बहुत कमाल की है बाबू। एक बिजनेस में जब आप काम करना शुरू करते हो ना, तो जो आपको ट्रेनिंग मिलती है वो बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने की मिलती है, ना कि सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने की। बिजनेस में कोई प्रॉब्लम अराइज होगी आप 2 मिनट में बेटा पकड़ लोगे प्रॉब्लम और 2 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करोगे, क्यों बेटा आपको ट्रेनिंग मिली है। लेकिन बेटा अगर कोई सोसाइटी की प्रॉब्लम है ना, तो बाबू आपके पास सोशल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्किल्स नहीं है, ना पूरी जिंदगी आपको ट्रेनिंग मिली उस चीज की, कैसे सॉल्व करोगे। मैं एक बात बोलता हूँ, चलो आपको आपके सामने एक सोशल प्रॉब्लम रखता हूँ, आप बता रहे मुझे कहाँ कंप्लेन करोगे। आपको भी देखता हूँ कितने सोशल स्किल्स रखते हो आप सोशल प्रॉब्लम सॉल्व करने के। बेटा अलाउड नहीं होता कि आप रेजिडेंशियल इलाके में कोई मशीनरी ऑपरेट करो, ठीक है ना, क्योंकि पॉल्यूशन का डर है और क्वालिटी लाइफ नहीं जी पाएंगे आपके बराबर में रह रहे रेजिडेंट। मान लो बेटा आपका शेड्यूल है, आप नाइट स्टडी करते हो, आप 12 बजे पढ़ने बैठते हो और सुबह 5 बजे सोते हो, ठीक है ना। ऑल दो खैर ये सारी बातें इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, आप 12 बजे फ़ोन चलाने बैठते हो और 5 बजे सोते हो, हाँ ये वास्तविकता है, ठीक है। मान लो आप बेटा 12 बजे पढ़ने बैठते हो और 5 बजे तक पढ़ते हो और फिर सोते हो, आप 12 बजे पढ़ने बैठते हो, एक फैक्ट्री शुरू हो जाती है आपके पड़ोस में और बेटा बड़ी तेज आवाज़ आनी शुरू हो जाती है, ठीक है, और आप रोड डिस्टर्ब हो रहे हो बेटा। आप 5 बजे सोते हो बेटा, वो भी 5 बजे ही फैक्ट्री बंद करता है, आपका सारा पढ़ाई का टाइम बेटा शोर में जा रहा है और पॉल्यूशन में जा रहा है बेटा, बहुत परेशान हो आप, मुझे बताना कंप्लेन कहाँ करोगे। सर देखो समझ में है सर, घर के पास फैक्ट्री नहीं हो सकती। सर आज भी तेरे को बता देता हूं, तू ये बात नहीं जानता कि कम से कम नुमैस कैम के घरों में 50 फैक्ट्री लगी हो, कम से कम जो मैं जानता हूँ यार। ये तो बस हवा हवाई बातें हैं कि नहीं हो सकती, मैं खुद बोल रहा हूँ होती हैं, इलीगली होती हैं। मैं बोलता हूँ आप कंप्लेन करना चाहते हो करोगे कहाँ, मैं तो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप सॉल्यूशन दे, तू मान के चल है तब कहाँ कंप्लेन करेगा। कौन गवर्नमेंट ऑफिशियल, बहुत सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल होते हैं एक सिटी लेवल पे, तो दिया तेरे को कह रही है कंप्लेन करेगी कर है भाई, सही सीख रहा है तू भाई, मेरे से बातें तूने सही सीखनी शुरू कर दी, अरे पट मारूंगा तेरे तो। हाँ जी बेटा बाबू डिस्ट्रिक्ट में डीएम सुनता होगा ऐसी कंप्लेन, उसके पास बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं बेटा शहर की। एक छोटे से बिजनेस की समस्या, पहली बात वैसे बता देता हूँ, इट इज नॉट अ मैटर ऑफ डीएम, मेयर को करेंगे कंप्लेन, ना पार्षद होता है ना, आपको बता देता हूं बेटा ऐसी कंप्लेन पुलिस भी नहीं सुनती, क्योंकि बंदे को बिजनेस करने से पुलिस नहीं रोक सकती। हाँ किस लॉ के, यही तो जानना है, हेलो इतनी देर से मुद्दा क्या चल रहा है। और सर लेकिन अच्छा चलो एक बात बताओ, वो तो मैं बता दूंगा कंप्लेन कहाँ होगी, लेकिन आपको ये समझ में आया, हेडिंग समझ में आई बेटा। बाबू हेडिंग का नाम क्या था, लैक ऑफ सोशल स्किल्स। बेटा एक बिजनेस को बिजनेस की प्रॉब्लम सॉल्व करने की ट्रेनिंग दी जाती है, कभी भी बेटा बिजनेस के पास, देखो
आपने जब फेवर में बात बोली ना, तो आपने बोला बिजनेस तेरे पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं, तेरे पास बहुत पैसा है, तेरे पास बहुत एम्प्लॉई है, तेरे पास बहुत लैंड एंड बिल्डिंग है, तू तो आसानी से सोसाइटी की प्रॉब्लम खत्म कर सकता है। लेकिन बेटा जब मैं आर्ग्यूमेंट अगेंस्ट बोल रहा हूँ तो मैं ये बोल रहा हूँ, सब कुछ होने के बाद भी उनके पास वो नेसेसरी ट्रेनिंग नहीं है बेटा, उनके पास वो स्किल्स नहीं है जो सोसाइटी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। हर स्किल तो नहीं है, समझ में आ रहा है ना बाबू? कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, जब आप फेवर में बोल रहे हो तो फेवर में बोलना है, जब आपको अगेंस्ट बोलना है तो अगेंस्ट ही बोलना है। पैसा है, रिसोर्सेज हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, पर बेटा वो ट्रेनिंग नहीं है जो सोसाइटी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए चाहिए। ऐसी चीजों की कंप्लेन दो जगह पर आप कर सकते हो बेटा। बाबू एक तो पॉल्यूशन कंट्रोल डिपार्टमेंट में आप बात कर सकते हो और दूसरा जीएसटी डिपार्टमेंट में आप बात कर सकते हो। चलो गैस छोड़ो, लेट इट बी, आपको क्या करना है जान के कर सकते हो, क्योंकि बिजनेस के लिए रजिस्ट्रेशन चाहिए होता है जीएसटी का। चलो ठीक है बाबू, आगे बढ़ते हैं। लास्ट हेडिंग इज लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, यही है ना हेडिंग बेटा। अब देखो, अब मैं अगेंस्ट बोलूँ तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, बेटा आप अगर आज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए चल दोगे ना और 10-12 को कहोगे आओ प्रॉफिट कमा के दूंगा, सारी दुनिया आपके पीछे पीछे चल देगी। आज कह दो मैं एक सोसाइटी की प्रॉब्लम सॉल्व करने जा रहा हूँ, कोई पीछे नजर नहीं आएगा, क्योंकि पता है वहाँ और कुछ नहीं मिलना बेटा, वहाँ सिर्फ ज़्यादा बहुत हद तोड़ लिए तो एक ऑनर मिल जाएगा, एक सम्मान मिल जाएगा। वो आज की तारीख में बेटा सबको प्रॉफिट से पैसे से लगता है, भगवान ना करे बेटा यहाँ पर कोई एक्सीडेंट हो गया ना बेटा, तो बाबू किसी पब्लिक का कोई सपोर्ट नहीं दिखाई देगा, बस वीडियो बनाने लग जाएंगे लोग। लैक ऑफ ब्रॉड पब्लिक सपोर्ट, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए बेटा कभी पब्लिक का सपोर्ट मिलता नहीं है किसी को। क्लियर हुई बात, समझ आई बात? चलो जी बेटा, थर्ड टॉपिक स्टार्ट हो रहा है, रियलिटी ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेटा एक आध हेडिंग की बात करता हूं फिर छुट्टी करूंगा। तो रियलिटी क्या है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की? हमने पढ़ लिए फेवर में आर्ग्यूमेंट, हमने पढ़ लिए अगेंस्ट, रियलिटी की बात कर रहा हूँ बेटा। रियलिटी में बहुत सारे बिजनेस सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी कर रहे हैं आज की तारीख में, रियलिटी पहले बता रहा हूँ, लेकिन बेटा स्पॉन्टेनियसली नहीं, मन किसी का नहीं कर रहा, सिर्फ डर से कर रहे हैं। और डर बेटा बहुत अलग अलग चीज़ों का है, मैंने हेडिंग में बताना है आपको। सबसे पहले थर्ड हेडिंग बताऊंगा बेटा, थर्ड हेडिंग का नाम क्या है? इम्पैक्ट ऑफ कंज्यूमर कॉन्शियसनेस। बेटा आज का ना कंज्यूमर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है भाई, और क्योंकि कॉन्शियस है बेटा कंज्यूमर, हर कंपनी डरती है, कर तो रही है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी, मन नहीं है उसका, लेकिन डर से कर रही है। लो आपको डर बताता हूँ और बताता हूँ बेटा कंज्यूमर कितना कॉन्शियस हो चुका है आज का। गौतम चुप हो जा भाई, इसे भी चुप करा ले, काम की बात बताऊंगा और बहुत मजा आएगा, एक्स्ट्रा बात में भी कंसीडर करोगे आप इसको। बेटा देखो कंपनी कर रही है, डर के मारे कर रही है, क्यों बेटा? कंज्यूमर कॉन्शियस हो चुका है। बाबू एक ना इंडिया में एक्ट बना 1986 में, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जो कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करता था बेटा, लॉ 1986 में बना। बाबू जब ये लॉ बन गया ना, आधे से ज़्यादा कंपनियां तभी डर गई थी। एक कंपनी होती थी बेटा 1990 में जो मैच स्टिक बनाती थी बेटा, माचिस की तिलियां बनाती थी, और वो कंपनी बेटा क्लेम किया करती थी कि हमारे हर मैच बॉक्स में 100 मैच स्टिक है, हर माचिस के डब्बे में 100 माचिस की तिलियां हैं बेटा, ठीक है ना बाबू? तो बाबू एक कंज्यूमर वेला पूरा बंडल खरीद लाया, शायद सुना हो कभी आपने, पूरा बंडल खरीद लाया और उसने क्या करा बेटा, माचिस की तिलियां गिननी शुरू कर दी, गिनी 1 में 99, उसने कहा अच्छा कंपनी गारंटी लेती है 100 की, उन्हें देखा 99, दूसरा बंडल गिला, किसी में 100, किसी में 99, किसी में 98, किसी में 101, उसने केस फाइल कर दिया कंपनी के खिलाफ बेटा, 1 रुपये का नुकसान हो गया था बेचारे का, ठीक है ना बाबू? जज भी वेला, जज ने कहा मंगाओ बंडल मैं भी गिनूंगा, उसने भी गिनना शुरू करा बेटा, तो बाबू किसी में 99, किसी में 100, किसी में 101, किसी में 98, जज ने बेटा उसके 1 रुपये के लॉस के लिए उसको 1 करोड़ की पेनाल्टी दिलवाई। आज की तारीख में नहीं है क्या कोई कंपनी? ढूंढो बाबू क्या 11th में लगे हुए हो। हाँ जी बेटा,
जज ने उसको एक रुपए के चक्कर में 1 करोड़ की पेनाल्टी दिलवाई बेटा। तो आज की तारीख में अगर हम अपने एडवर्टाइजमेंट में ट्रुथफुल है ना बेटा, तो हमारा दिल नहीं कर रहा, हमारा तो मन करता है झूठ बोलने हम ऐड में, लेकिन हम डर के मारे सच बोल रहे होते हैं बेटा, क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा ही कॉन्शियस हो चुका है। एक और एग्जाम्पल दूंगा आपको इसी से रिलेटेड बेटा, लो सुनना बाबू। 1986 के बाद आने वाले एड के बारे में आपको बताता हूं, ये देखना जरा एड बेटा, एड कैसे आते थे 1986 के बाद ये समझना। लो आपको, आपने ऐसा हो ही नहीं सकता ये एड ना देखे हो बेटा। जर्म्स बिफोर यूजिंग डेटॉल, ये जर्म्स है बेटा डेटॉल यूज करने से पहले। 1986 के बाद तक ऐसे एड आते थे, जर्म्स आफ्टर यूजिंग डेटॉल, जर्म्स ही नहीं है। हाँ अब मैं लेट मी स्पीक फर्स्ट बेटा, क्यों होता है एक, अब पहले उसका रीजन डालो बेटा। एक कंज्यूमर पहुंच गया कोर्ट, उसने केस करा इसी चीज के खिलाफ कंपनी के, और बाबू आपको भी पता है मुझे भी पता है जिंदगी में 100% कोई चीज नहीं होती, ठीक है ना। और बेटा करोड़ों रुपए की पनिशमेंट ये भी देकर आए, और आज की तारीख में क्या हुआ बेटा, डेटॉल भी जम छोड़ने लगा, ठीक है ना। ऐसे ही आते हैं एड, डैंड्रफ बिफोर यूजिंग सनसिल्क, या किसी का भी नाम लो, आफ्टर यूजिंग सनसिल्क, बताओ सनसिल्क डैंड्रफ छोड़ रहा है, ठीक है ना। जर्म्स बिफोर यूजिंग कॉलगेट, आफ्टर यूजिंग कॉलगेट, कॉलगेट भी जर्म छोड़ रहा है। ये सारी कंपनियों के लिए है, कोई कंपनी 100% वर्ड नहीं यूज करती है अपने एड में, 99% देख लेना, या बहुत हद तोड़ लोगे तो डोमिनोज बोलता है 99.99% कस्टमर सेटिस्फेक्शन, 100% बोल के बताओ तो मैं मानू, फिर हम भी पहुंचेंगे कंज्यूमर कोर्ट, करोड़ दो करोड़ हम भी ले लें बेटा। वैसे आपको बता देता हूं, मैं आज भी कम से कम सहारनपुर सिटी की 10 बहुत बड़ी बड़ी फर्म जानता हूं, जिनके खिलाफ अगर आप कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में मुकदमा करो तो करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। पर हमने क्या करना है भाई, आराम की खा के। मैं ना 12th क्लास में बताता हूँ, बकायदा नाम भी बताता हूँ कि क्या क्या वो गलती करते हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 की, क्या क्या बातें पूरी नहीं करते। मैंने एक पूरा पढ़ा हुआ है बेटा, ठीक है ना, मैं नाम भी बताता हूँ बेटा, पर हमने क्या करना है यार, ठीक है ना। खैर नाम आपके टाइम पे आपको भी बता दूंगा, गलतियां भी बता दूंगा वो क्या क्या करते हैं, लेकिन आपने भी क्या करना है यार, चुपचाप पढ़ो, खैर मस्ती करो और क्या, ठीक है ना। जब हक लाल की इतनी बढ़िया आ रही तो हराम की क्या खानी बेटा। लो खैर बाबू बात समझ में आई, आज की तारीख में बेटा कंपनियां कर तो रही हैं सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल, लेकिन बेटा डर है, स्पॉन्टेनियसली कोई नहीं चाहता। अगर आज की तारीख में कंपनियां अपने एडवर्टाइजमेंट में सच बोल रही हैं तो बेटा उनकी मजबूरी है, क्योंकि कंज्यूमर ज्यादा हद से ज्यादा कॉन्शियस है, देख लो खुद सच बता रही हैं। और आपको बता रहा हूं बेटा, सनसिल्क या किसी और भी शैंपू का ब्ला ब्ला किसी का भी नाम ले लो, डैंड्रफ जाता तो नहीं होगा भाई, ये आप भी जानते हो, ये मैं भी, केमिकल से चीजें बढ़ती होंगी, कम तो किसी से नहीं होती भाई, ठीक है ना। तो खुद से सच बता रही हैं भाई, डर, कंज्यूमर कॉन्शियसनेस का डर, ठीक है जी। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय।